सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो। अरे हाँ मित्तल जी, अरे 2 बजे की शिफ्ट है ना, 1:30 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। हाँ आगे फिर कभी काम करेंगे, आपके साथ तो काम करना ही है ना। बस मुझे याद रखिएगा। क्या हुआ? मित्तल का फोन था। कह रहा था शूटिंग कैंसिल हो गई है। बेवकूफ समझता है मुझे, कोई सस्ता एक्टर मिल गया होगा, मना कर दिया मुझे। छोड़ो, चाय पियो। तुम्हारी चाय हमेशा कड़वी क्यों होती है, थोड़ी चीनी डाला करो। होगी तो डालूंगी ना। Oh my God! क्या हुआ? एक चमकते हुए सूरज की धुंधलाती हुई शाम, सुविख्यात अभिनेता और नाटककार सागर भारती आजकल गरीबी और बीमारी के साए तले अपनी जिंदगी का आखिरी दौर बिता रहे हैं। 25 वर्षों तक रंगमंच की सेवा करने के बावजूद आज एक छोटे से सोफे पर अपनी बीमारी से जूझते हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्या उनके पास अपने इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं? जानती हूँ चेतना, ये सागर भारती वही हैं जिनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया था। मैंने एक्टिंग की ABCD इन्हीं से सीखी थी। इन्होंने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की थी और आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। क्या गुजरती होगी मैं? क्यों क्यों आए हो तुम लोग मुझे यहां पर? ये क्या है, ये क्या है? कहां ले आए हो तुम लोग मुझे? नर्स, मेरा दम घुट रहा है। ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है मुझे, नहीं लगवाना है। तुम जैसे टटपूंजी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते। ये काका काय को पंगा करता है, सुई लगाता तो लगाने दो ना उसको। तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? मैं तुम्हारे एरिया का सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर मतलब ही हो तुम लोग? चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, जाओ। नहीं पीना है मुझे पानी, नहीं पीना है। दादा, दादा, राजदीप, पहचाना मुझे? तू राज है? हाँ दादा। तू
तो राजदीप है। हाँ दादा, मैं आपका वही राजदीप हूं जिसे आपने ये कह के अपने नाटक से निकाल दिया था कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता। वो यहाँ आएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जिनके बारे में सोचा उनमें से कोई नहीं आया। सब मतलबी खुदगर्ज जो काम के लिए मेरे पीछे आगे दौड़ते फिरते थे, उनमें से कोई मुंह दिखाने भी नहीं आया रे। दादा, ये सब हुआ कैसे? पागल, वो राइटर जो वहां ऊपर बैठा हुआ है, उसने जो भी किरदार लिख दिया मेरे लिए, वो निभाए जा रहा हूं। वैसे भी ये तो अब नाटक का आखिरी अंक है, बस पर्दा गिरने वाला है बेटे। नहीं दादा, मैं इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। राज, पागल है तू। अरे जब मैं अपने लिखे नाटक की एक लाइन इधर से उधर नहीं होने देता था बेटा, वो उसकी कहानी में कौन फेर बदल कर सकता है? बस आप मुझे इतना बताइए कि आपको हुआ क्या है। कोई एक बीमारी हो तो बताओ, उनका पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। बोले तो कोई इलाज विलाज है कि नहीं? है क्यों नहीं, कम से कम ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद 3 महीने तक स्पेशल ट्रीटमेंट, देन ही विल बी क्वाइट नॉर्मल। खर्चा कितना पड़ेगा? ये कोई 50-60 लाख रुपए। क्या है कि सब इम्पोर्टेड इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे और कुछ डॉक्टर्स को भी बाहर से बुलाना पड़ेगा। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? अगर डॉक्टर साहब इतना रुपया है भी तो इस सड़ेले बुड्ढे के लिए कौन खर्चा करेगा? मैं करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, आपको दादा के इलाज के लिए जितने रुपयों की जरूरत होगी मैं दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो राज? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं डॉक्टर साहब। बस आप एक बात जान लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे दादा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि उनका इलाज तुम कराओगे? जानते हो कितना खर्चा आएगा उनके इलाज में? इतना रुपया है तुम्हारे पास? लेकिन ये रुपए मैं किसी भी तरह इकट्ठे करके रहूंगा। मैं दादा को इस तरह सिसक कर दम तोड़ने नहीं दूंगा। तो फिर कहां से लाओगे इतने रुपए? चोरी करोगे या फिर कहीं जाकर डाका डालोगे? चेतना, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं ये घर बेच लूंगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम ये घर बेच दोगे? अरे इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है और तुम इसे ही बेच दोगे? ठीक है, तुम्हें ये घर बेचकर कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख या 15 लाख? बस इतने रुपयों में तुम्हारे गुरुजी का इलाज हो जाएगा? नहीं, इलाज ना सही लेकिन एक शुरुआत तो हो सकती है। उसके बाद मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करूंगा, चंदा मांगूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन किसी भी तरह अपने गुरुजी का इलाज करवाऊंगा मैं। राजदीप प्लीज, अकल से काम लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो।
मैं अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूं। मुझे अपने फ्यूचर में दादा का अक्स नजर आ रहा है और वो फ्यूचर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अभी मैंने अपने फ्यूचर को नहीं सुधारा तो इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। याद रखना, खत्री साहब। तुम कौन हो, किधर जाते हो? खत्री साहब, पहचाने मुझे? कौन है भाई तू? मैं राजदीप। वो आपके थिएटर में नाटक करता था ना, एक्टर। अच्छा 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 अच्छा, वो भाई क्या है ना कि बहुत दिनों से तूने कोई प्ले भी नहीं किया, इधर थिएटर भी नहीं आया, सब कुछ छोड़ दिया है क्या? नहीं खत्री साहब, आजकल सीरियल कर रहा हूँ, बस छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। बोल कैसे आना हुआ? खत्री साहब, वो क्या है, वो अपने दादा है ना, बहुत बीमार है आजकल। कौन दादा? अरे अपने भारती दादा, सागर भारती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने अखबार में उनके बारे में पढ़ा था, बड़े अच्छे एक्टर थे बेचारे। थे नहीं खत्री साहब, दादा है। मैंने क्या है ना कि उन्होंने बहुत दिनों से कोई प्ले वगैरह नहीं किया, थिएटर नहीं किया, इसीलिए बोला। अच्छा है तो खत्री साहब, मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज में करीब 50-60 लाख रुपए खर्च होंगे, अगर आप कुछ रुपए दे देते तो। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे मेरे पास कहाँ रखा है पैसा? अरे तू तो देख ही रहा है कि सालों से थिएटर का धंधा ठप पड़ा हुआ है, धंधा है ही कहाँ। खत्री साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आज आप जो कुछ भी है ना, इस थिएटर की बदौलत है। और ये थिएटर किसकी बदौलत है? दादा की बदौलत। नहीं तो यहां आज कोई थूकने भी नहीं आता। तो क्या करूं मैं, ये थिएटर तेरे दादा का नाम कर दूं? हाँ, अगर तू मेरे पास क्यों आया है? तेरे दादा के तो सैकड़ों चेहरे चपाते हैं, कई तो फिल्म स्टार भी हो गए हैं, उनके पास क्यों नहीं आता? वो सब भी आपकी तरह खुदगर्ज और मतलबी इंसान निकले। कोई उस महान कलाकार की मदद तो छोड़ो, हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। सोचा था आप उनके पुराने दोस्त हैं, कुछ मदद करेंगे, लेकिन आप भी। कोई बात नहीं खतरे साहब, मैं अगर दादा के लिए अपना मकान बेच सकता हूं ना, तो खुद को भी बेच सकता हूं। चलता हूं मैं। अरे सुनो, देखो तुम मेरे से रोकड़ा चाहते हो, रोकड़ा तुम्हें दूंगा। एक बात, अगर तुम चाहो तो 25 तारीख को मेरा थिएटर खाली है, तुम चाहो तो। अच्छा? हाँ भाई। अरे भाई एक एक से कहां मांगते घूमोगे, मेरी मां तो चैरिटी शो कर डाले, अब सागर साहब का ही कोई प्ले कर ले, हो सकता है कि बात बन जाए। मेरी तरफ से ऑडिटोरियम फ्री। थैंक यू खत्री साहब, चलता हूं मैं। दादा। अरे दीप, आ गए बेटा तू। मेरा मन कह रहा था कि कोई आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा दीप जरूर आएगा। पानी पी लीजिए दादा। शुक्रिया बेटा। आज वो डॉक्टर कह रहे थे कि तुमने वादा किया है कि मेरे इलाज का पूरा खर्चा तुम उठाओगे। हाँ दादा। बेटा इतने रुपए तुम लाओगे कहां से? उसके बारे में मैंने सोच लिया है दादा, मुझे बस आपकी आज्ञा और आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो सदा तेरे साथ है बेटा, लेकिन क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? दादा मैं आपके उसी नाटक का मंचन करूंगा जिसने लगातार 25 साल एक ही थिएटर में हाउसफुल होने का रिकॉर्ड बनाया है।
अच्छा अच्छा वो मुखौटे। हाँ दीप, एक बात कहूं बेटा, तुझे इस नाटक के मंचन से कुछ नहीं मिलेगा। लगातार 25 सालों तक कामयाबी के साथ, फुल हाउसेस के साथ मैंने उस नाटक का मंचन किया, मगर बेटा कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं। तो तुझे क्या मिलेगा दादा? मुझे बस आपके आज्ञा और आशीर्वाद की जरूरत है। एक बात कहूं बेटा, जिस किरदार की लाइनें खत्म हो जाएं, उसे खामखा स्टेज पर खड़े नहीं रहना चाहिए, उसका एग्जिट जरूरी हो जाता है। इस तरह से मेरे मेरे एग्जिट का बिल्कुल सही वक्त है ये। अरे बेटा कम से कम लोग तालियां तो बजाएंगे ना। नहीं दादा, मैं आपकी एग्जिट सिर्फ तालियों से नहीं होने दूंगा, लोगों को आपके सामने झुकना पड़ेगा और मैं लोगों को आपके सामने झुकाऊंगा जिन्होंने सारी जिंदगी आपकी कला को निचोड़ा है। मैं उनसे आपकी जिंदगी निचोड़ कर वापस आऊंगा। लेकिन एक बात तो बताओ, उस नाटक में वो किरदार जो मैं निभाया करता था वो कौन करेगा? दादा वो मैं करूंगा। अब आप जितना अच्छा तो नहीं कर सकता मैं, मगर आपकी नकल तो कर ही सकता हूं। चलो जो भी करना है करो, मगर ध्यान से करना। अरे मैं क्या करूं कृपयानी साहब, आप मुझे खुद बता दीजिए। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शो हाउसफुल हो गया है। नहीं देखिए कुमार साहब की बात आप छोड़ दीजिए, कुमार साहब की बात मत कीजिए आप। उन्होंने तो देखिए 5 टिकटों के लिए 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए और आप 25,000 के टिकट के लिए खिटखिट कर रहे हैं क्या? ठीक है। अरे फिर किस बात की प्रॉब्लम है? कितने टिकट चाहिए आपको? हाँ मुझे बता दिए ताकि मैं बुकिंग क्लर्क को बता दूं। ओके फिर साहब ये क्या, अखबार में यह छपाने की क्या जरूरत थी कि दादा के इलाज के लिए मैंने अपना घर तक भेज दिया और किसी ने चवन्नी तक नहीं ढीली की? शान, ये सब मार्केटिंग की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम क्या समझते कि अगर मैं मुखौटे के इशू को एक्सप्लॉइट नहीं करता तो ये 10,000-20,000 रुपए के टिकट बिक जाते? 10,000-20,000? हाँ भैया हाँ, तुम्हारे एक शो ने जितनी आमदनी की है तुम्हारे भारती साहब 25 साल में उतना नहीं कमा पाते। सच? क्या बात कर रहे हैं आप? अब ये बोल और क्या चाहिए? बस कल मेरी परफॉर्मेंस दादा के परफॉर्मेंस के 5% बराबर भी हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। सागर भारती के नाटक को देखने के लिए लोग दूर पड़े? हजारों के टिकट खरीद कर भी लोगों ने नाटक का मजा लिया। कमबख्त, बेवकूफ, असली नाटक देखने के लिए 50 रुपए भी नहीं निकलते थे जेब से और अब हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं अलायक। दादा अरे राज आ बेटा। दादा अरे राज बेटा तू? हाँ दादा मैं। दादा आपके नाटक ने तो कमाल कर दिया दादा, लोगों ने 5,000-5,000 रुपए के टिकट खरीदे। मुझे नहीं मालूम था तू इतना बड़ा अदाकार बन गया रे। नहीं दादा, लोग मुझे देखने नहीं आए थे, लोग उस कलाकार को जिंदगी देने आए थे
जिसने अपनी सारी जिंदगी दर्शकों को बांट दी। पता है दादा, नाटक के इस एक शो से इतने पैसे इकट्ठे हुए कि जितने पिछले 25 सालों में नहीं हुए। सब तेरी तेरी मेहनत का फल है बेटा। कुल कितने रुपए इकट्ठा हुए दादा? 80 लाख। 80 लाख? हाँ दादा, अब इन रुपयों से आपका इलाज भी हो जाएगा और आप फिर से अपना ग्रुप खड़ा कर सकते हैं। हाँ बेटा, बेटा तूने तूने ये रुपए संभाल कर रखे हैं ना? अरे दादा, वो रुपए मैं अपने पास क्यों रखूंगा? वो रुपए मुझे कल मिलेंगे और सीधे मैं लाकर आपके चरणों में रख दूंगा। क्या देख रहा है भैया, क्या देख रहा है? अरे 2-4 हजार ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। थैंक यू, थैंक यू खत्री साहब। सर थैंक यू। अरे मेरा वो हिस्सा नहीं देगा क्या? मतलब आपके थिएटर का किराया? अरे भाई, ये हॉल का किराया तो मैंने दान कर दिया यार के नाम पर। जो तुमने इतना रुपया इकट्ठा किया है ना, ये किसका आइडिया? बोल बोल, बोल। किसका आइडिया था? मेरा था ना। अब तू इतना सारा रुपया अकेले लेके कैसे जा सकता है? ओ, तो आखिर आपके मन में लालच आ ही गया। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए खत्री साहब, ये सारा रुपया दादा का है, इसमें से मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा। अरे तू तो बुरा मान गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। जा, ये सारा रुपया तू ले जा, है? ले जा। अरे जा ना। जरा भी होशियारी मत करना, चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दे वरना गोली चल जाएगी। hey! कोई भी हरकत मत करना। मैं ये बैग नहीं दूंगा। बैग तो तेरा बाप भी देगा।
हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर राजदीप जी, सीआईडी ऑफिसर विधान। ऑफिसर मैं लूट गया, ऑफिसर बर्बाद हो गया। उन कमीनों ने सारे रुपए लूट लिए। ये रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए थे। अरे यही तो कलयुग है, इन्हें देखिए, दूसरों का भला करने चले थे और अपने साथ ही बुरा खराब बैठे। अरे इन्होंने तो दूसरों के लिए अपना घर तक बेच दिया, और बदले में इन्हें क्या मिला? ये जख्म। इन जख्मों की मुझे परवाह नहीं है ऑफिसर, ये तो वक्त के साथ भर जाएंगे। लेकिन दादा की बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। मिस्टर राजदीप, जिन लोगों ने ये पैसा लूटा, उन लोगों को पहले से ये खबर लग गई होगी कि आप 80 लाख रुपए लेके यहाँ आ रहे हैं। उन्हें कैसे पता होगा कि मैं रुपए लेके आ रहा हूँ? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आपके अलावा इस बात की खबर किस किस को थी कि आप ये 80 लाख रुपए लेके यहाँ आ रहे हैं। एग्जैक्टली बताइए। मेरे अलावा मेरी पत्नी, हाँ दादा। ये दादा कौन है? मिस्टर सागर भारती। क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग मुझे? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। जाइए आप लोग, प्लीज गो, गो। सागर साहब, हम लोग पुलिस वाले हैं। विधान नाम है मेरा, सीआईडी ऑफिसर विधान। वो 80 लाख रुपयों की जो चोरी हुई थी, उसी सिलसिले में, उसी के मुतालिक कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। लेकिन उस सब का आप क्या फायदा है उस सब का? यानी कि सागर भारती साहब, आपको ये 80 लाख रुपए लूटने का कोई अफसोस नहीं? बहुत अफसोस है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि इसलिए कि उस बेचारे राजदीप पर क्या गुजरेगी। अपना घर तक बेच दिया उसने मेरे इलाज के लिए, और सारा रुपया लूट गया। ऐसी तो उसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रह गई है साहब। पता नहीं ये दुनिया कब साथ छोड़ दे, इसलिए सोचा है कि अब बाकी की जिंदगी अपने गांव जाकर गुजारूंगा। अच्छा एक बात बताइए मिस भारती, आपके और मिस्टर राजदीप के अलावा और किसी को ये बात पता थी कि मिस्टर राजदीप यहाँ 80 लाख रुपए लेके आने वाले हैं? हाँ जरूर, कम से कम उस आदमी को तो मालूम ही होगा जिसने राजदीप को ये रुपए दिए थे, उस थिएटर का मालिक खत्री, बाबूलाल खत्री। मिस्टर सागर भारती जी, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मुलाकात होती है। फिलहाल हम चलते हैं। शुक्रिया।
चलो रावत, सागर साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं दूसरे हॉस्पिटल से भी चेक करवाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब पता लगाओ रावत की इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के कितने एप्रन गायब। जी हाँ सर। कमान साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ साहब। वो लोग जो रुपया लूट के ले गए थे ना साहब, तुम उनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं साहब, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वो लोग अपना चेहरा छुपाए हुए थे। उनमें से एक आदमी के कान में काटन लगा हुआ था। काटन? हाँ साहब, वो क्या कहते हैं, कापूस रुई। उसे देखने से ऐसा लग रहा था साहब उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है साहब। थैंक यू वेरी मच। अरे दादा की किस्मत ही खराब है तो उसके लिए कोई क्या करे। राजीत ने इतनी मेहनत से रुपए इकट्ठे किए थे मगर एक झटके में लूट गए। बोलो। लूट नहीं गए बाबूलाल जी, लूट लिए गए। वो लुटेरे अच्छी तरह जानते थे कि राजदीप 80 लाख रुपए लेके वहां आने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ड्रेस पहन के खड़े थे। बोलो। मगर उन लोगों को इस बात का कैसे पता चला? ये तो आप हमें बताएंगे बाबूलाल जी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिरान साहब, मैं कमीना जरूर हूं मगर मैं कफन चोर नहीं हूं। ठीक है कि मैंने दारा के इलाज में रुपया खर्चा नहीं किया है मगर उनके इलाज के लिए इकट्ठे किए रुपए में खा जाऊं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बाबूलाल जी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो रुपए आपने चुराए थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंसान से गलती हो जाती है, याद करने की कोशिश कीजिए, गलती से आपने किसी को बोल दिया होगा। बाय मिस्टेक बाबूलाल जी। हाँ पाटिल बोलो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। सर, पाटिल का फोन था, उसने बताया कि गुंडों ने जो भी एप्रिन इस्तेमाल किए थे वो अस्पताल के किसी डॉक्टर के नहीं थे। मेरा भी यही ख्याल था रावत कि वो एप्रिंस, वो ड्रेसेस जो लुटेरों ने इस्तेमाल किए थे, या तो कहीं से खरीदे गए थे और या किसी से किराए पे लिए थे। एग्जैक्टली सर। बबुला जी, ये जो आपके कपड़े इस्तेमाल होते हैं नाटक कंपनी में, ये आप लोग कहां से मंगाते हैं? जी कई ड्रेस वाले हैं। आपको अगर अपने नाटक के लिए कपड़े मंगाने हो तो आप कहां से मंगाओगे? रफीक, रफीक ड्रेस वाला, टेली गली, टेली गली। मिस्टर राजी। अरे ऑफिसर, आप उन गुंडों का कुछ पता चला? वो रुपए मिले? मिले नहीं, लेकिन मिल जाएंगे बहुत जल्दी। उनमें से एक गुंडे का सुराग मिला। रियली? या, उन गुंडों ने डॉक्टर की कॉस्ट्यूम रफीक भाई ड्रेस वाले से खरीदी थी और रफीक भाई ड्रेस वाले ने ना सिर्फ उन गुंडों का हुलिया हमें बताया है बल्कि उन गुंडों में से एक गुंडे की एक खास पहचान भी हमें बताई। पहचान? वो कान में रुई डालता है और उसका एक कान बहता है। बाय एनी चांस आपने इस किस्म के किसी शख्स को देखा है या? यस, मुझे लगता है जब मैं पहली बार अस्पताल गया था तो इस तरह के किसी आदमी को मैंने देखा था। नाम पता अगर? मुझे लगता है दादा से जो लोग मिलने आए थे उनमें से ही कोई एक था। सर, हो सकता है हमें अस्पताल से उस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए।
You may never know, Rawat. Anyhow, thank you, Mr. Radhiv. नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए. आप जैसे अच्छे इंसान आज देखने को कहाँ मिलते हैं? एक नोबल कॉज के लिए आपने अपने सर की छत तक कुर्बान कर दी, और मैं आपसे वादा करता हूं मिस्टर राजदीप, आपकी यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे. गेट वेल सून, ओके? फिर आऊंगा. चलो आओ. सर सीधे हॉस्पिटल ही चले ना? कोर्स रावत, आओ बैठ. रावत, हमारे शेड्यूल में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है. हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हम लैब जा रहे हैं. लैब? ये कॉटन टेस्ट कराने हैं, हम लैब जा रहे हैं. एंड आई एम क्वाइट श्योर रावत, इस कॉटन से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिले. ए भैरो, काहे के लिए खाली पीली फूटस खा रहा है? हमारा पैसा दे और हमारा पिकअप कर. ए भाई, तुम लोग का हिस्सा है ना, मैं नहीं दूंगा. कोई देगा जिसने ये सारा प्लान बनाया था, ये रुपया उसी का है. ए छोड़ना, अपन चारों आपस में रोकड़ा बांट लेते. वो जिसने ये प्लान बनाया वो तो पहले ही फ्लॉप हो गया. रुपया कहाँ गया? तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कि 80 लाख रुपया मैं तुम लोगों के हवाले कर दूंगा? है? अरे राजदीप भाई, हम लोग तो चेक कर रहे थे कि माल परफेक्ट है कि नहीं. अच्छा, लेकिन तुम लोगों का माल वहां नहीं, यहां है. चलो 1-1 लाख रुपया बांट लेना आपस में. अरे बस क्या राजदीप भाई, 80 लाख में सिर्फ 1 लाख रुपया? ए औकात में रहो अपने. जूनियर आर्टिस्ट हो ना तुम लोग, एक दिन का 800 रुपया मिलता है, 1 घंटे का 1 लाख रुपया दे रहा हूं, कम है क्या? 1 लाख और ले लो, और उस बुड्ढे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो अब तो बचेगा नहीं. अच्छा ही नहीं बचेगा वो. एक बार स्टेज पे अपन डायलॉग क्या भूल गया था, कस के झापड़ दे दिया था अपने को, आज तक कान बहरेला अपना. बुरी बात, अच्छे बच्चे यूज किया हुआ कॉटन यूं कहीं भी नहीं फेंक देते, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है. और कानून के शिकंजे में फंसने का. जरा भी नाटक नहीं, चल पढ़ा ना सिरा. राजदीप बाबू, माथा तो मेरा तभी ठनक गया था जब मुझे आपके घर के बाहर से वो रुई का टुकड़ा मिला.
वो रुई का टुकड़ा एक ऐसी कड़ी थी जो आपको इनके साथ बड़ी आसानी से जोड़ती है। मैं आपको अकेले नहीं बल्कि इन लोगों के साथ और पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। 10 लाख का अपना घर बेचकर 50 लाख रुपए हासिल करने का प्लान तुमने बहुत अच्छा बनाया था राज। लेकिन अफसोस, अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो सकते। ये प्लान बनाते वक्त तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कमजर्फ एहसान फरामोश इंसान कि तुम्हारे गुरु जिन्होंने इतने साल तुम्हें शिक्षा दी वो किस तरह बेमौत मारे जाएंगे? गुरु काय का गुरु, 4 साल तक बैक स्टेज पर मुझे गधे की तरह खटाता रहा, रोल मांगता था नहीं देता था। एक नाटक में रोल दिया, 2 लाइनें बोली, 2 लाइनों के लिए रोज 200 गालियां देता था मुझे। ये तो चाहता था गला दबा दूं उसका। आज जब कुदरत अपना हिसाब किताब चुका रही थी तो मैंने सोचा अपना पुराना कर्ज वसूल करूंगा और मैंने किया। बहुत अच्छे राजदीप बाबू, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छे राजदीप बाबू। एक बात बताऊं आपको राजदीप बाबू, मुझे शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए। जिस गुरु ने इतने साल तुम्हें शिक्षा दी उनके बारे में तुम ऐसा सोचते हो? ये जो शब्द अभी मैंने तुम्हारे सामने पढ़े हैं इसका मतलब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत सारे नाटक खेले हैं। लेकिन यह तुम्हें बताना जरूरी है कि नाटक नाटक होता है और हकीकत हकीकत। हर नाटक का एक ना एक दिन पर्दा गिरता है राजदीप बाबू, और कानून एक ऐसी हकीकत है जो हर नाटक का पर्दा उठा देती है। तो सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।